यदि हम हथेली में जाते हैं तो आपकी जो बुद्ध की उंगली है, जिसे हम मरकरी माउंट कहते हैं, उस पर बनने वाली जो कनिष्ठा उंगली है, ये अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जो यहाँ पे सूर्य की उंगली है, इसके पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, अगर आप देखोगे सुंदर रूप से। तो ये अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है, आपके भी बहुत अच्छा है, और सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच रही है, इस अवस्था को भी अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था कहा जाता है। यदि हमारी ये उंगली, जिसे हम कनिष्ठा कहती हैं, इस तरह से लंबी हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में या अधिकारी होता है या उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है और अपने जीवन काल में ज़्यादातर मामलों में सफल होता है। ये अच्छा संकेत आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी जो ये रिंग फिंगर है, जिसे हम अनामिका कहते हैं, ये भी अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आपकी जो बृहस्पति की उंगली है, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, इससे काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, ये भी अच्छी है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, आप में भी हिम्मती स्वभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, सफलतम व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मिडिल फिंगर की, यहाँ पे थोड़ा यहाँ से मुड़ती हुई दिख रही है, जो अंतिम भाग है यहाँ से, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली देखें, जुपिटर माउंट के ऊपर जो उंगली बनती हुई दिख रही है, ये मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं आपके अंदर, और ईश्वर के प्रति आस्था है दिखाई दे रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, छोटी उंगली, ये उंगली और ये उंगली, सभी जो है बीच वाली उंगली की तरफ यहाँ पे झुकाव इनका दिखाई दे रहा है। और देखिए, ये थोड़ा नेगेटिव होता है, जब भी हमारी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली के तरफ होता है, तो शनि के नेगेटिव गुण इसमें आ जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, शांत हो जाता है, या जीवन में खुशियों में कमी देखने को मिलती है, और कभी कभार बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं। और यदि व्यक्ति नौकरी चाकरी में रहता है, नौकरी करता है, तो कहीं ना कहीं जो है शनि नौकरी में अड़चन की अवस्था पैदा करता है, या मानसिक दबाव बनाए रखता है, मानसिक परेशानी देता है नौकरी के मामले में। अब हमने ये तो देख ली उंगलियों का आकार प्रकार, अगर अंगूठे को देखें, अंगूठा जो है सामान्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई विशेष गुण ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दोनों फलेंजों के बीच में यहाँ पे एक यव की आकृति निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खास तौर पे आपका चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है, और देखा जाए तो एक खूबसूरती बिखेरता हुआ गद्दी नुमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व तो होगा, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, और विद्वान भी हैं आप, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले लोगों में से एक हैं, ये भी बहुत सुंदर है और इमोशनली है, ये बहुत अच्छा है। अब रेखाओं की ओर अगर हम यहाँ पे जाते हैं, तो देखिएगा आपकी जो हृदय की रेखा है, ये इस तरह से निकल करके और गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति से अपना युक्ति बनाती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में जब ये गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बनाती, ये श्रेष्ठ अवस्था होती है, आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्तियों में से एक है, विद्वान है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, और जिसको भी प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं, प्रेम के मामले में ऐसे लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं, आप अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं, स्वाभिमानी जरूर हैं लेकिन पूर्णतः तो विश्वासी हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, और ऐसा व्यक्ति मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचा पद अपने जीवन काल में निश्चित ही पाता है। और अगर नौकरी न कर रहा हो, कोई ऊंचा पद न पाया हो,
तो ऐसे लोग चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन ऐसा व्यक्ति जीवन जीता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है कि आपका जो है सूर्य का पर्वत भव्य होना चाहिए। यहाँ पे ये कमी साफ रूप से दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में हम देखें तो आपका सूर्य के पर्वत पे गड्ढा बना हुआ है, और जब सूर्य का पर्वत ही गड्ढे नुमा होता है तो व्यक्ति को वर्तमान समय में जब तक ये सूर्य का पर्वत इस स्थिति में रहता है, मलिन स्थिति में रहता है, दबाव हुआ स्थिति में रहता है, कमजोर स्थिति में रहता है, तो व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिलता है न पूरा क्रेडिट मिलता है। काम बनते बनते रुक जाते हैं या जब होने वाला होता है तब रुक जाता है, जीवन में विस्तार नहीं मिलता है। चाहे आप नौकरी करो चाहे आप व्यवसाय करो, उसमें जो है फैलाव नहीं मिलता है, विस्तार नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर योग्यताएं होती हैं, जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आती हैं। अगर आपको अच्छा रास्ता चाहिए, अपनी चीज़ में प्रसिद्धि चाहिए, तो निश्चित तौर पे आपको सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, प्रसिद्धि के क्षेत्र में और व्यक्तित्व के क्षेत्र में आपको पुष्टता मिलेगी, आप प्रसिद्ध होंगे। हाँ, यहाँ पे एक यश का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक सूर्य पुष्ट नहीं होता है इस साइन का कोई महत्व जीवन काल में नहीं रहता है, ये बात निश्चित है। यहाँ पे एक रेखा भी दिखाई दे रही है, व्यक्ति को अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रहती है और उसी नॉलेज के बल पे व्यक्ति जो है अपने जीवन में तरक्की करता है। अब यहाँ पे पूरी रूप में तो नहीं दिख रहा, अगर इस तरह से वर्ग का चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति मल्टीपल व्यापारी होता है, व्यापार के क्षेत्र में जो है सर्वश्रेष्ठ अवस्था तक पहुँचता है, पर है कि नहीं पूरा नहीं दिख रहा इसलिए कहना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से निकल रही है और यहाँ पे देखो इस तरह से निकल रही है और यहाँ से जो है भाग्य रेखा जा रही है जीवन की रेखा से निकल करके, और मस्तिष्क जो है भाग्य रेखा के नीचे से शुरू हो रहा है और चंद्रमा पे जाकर मिल रहा है। मतलब जो सोच है, मस्तिष्क का मतलब होता है सोचना, जो सोच है केवल और केवल जो है पैसों के ऊपर अभी डिपेंड चल रही है, पैसों के लिए सोचा जा रहा है, धन के लिए सोचा जा रहा है, करियर के लिए सोचा जा रहा है, बाकी सोच उतनी नहीं है। लेकिन माइंड की जो सोच अभी है वो धन प्राप्ति के लिए है, करियर में ऊंचे स्थान को प्राप्ति पाने के लिए, सर्वश्रेष्ठतम स्थिति को पहुंचने के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देखोगे ये रेखा बाई फोर को हो रही है, आपकी जो माइंड रेखा है वो बाई फोर को हो रही है, एक ब्रांच माइंड की लाइन की नीचे की तरफ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। इसको हम राइटर फोर्क कहते हैं, इस तरह का राइटर फोर्क आपके हाथ में बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है और यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर दिखाई दे रही है और रहने वाली है, कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ लोग इन कल्पनाओं का बहुत अधिक बेनिफिट भी लेते हैं, ऐसे लोग राइटर भी होते हैं, और यही चीज़ ऐसे लोगों के प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली होती है। अगर आप भी ये लाइन है तो इस लाइन में आपको ग्रोथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है, क्रिएटिव ज़रूर होंगे, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है। और जीवन की रेखा से निकल करके अगर भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोगों का अच्छा नसीब होता है, पर यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, जीवन की रेखा से तो निकल रही है लेकिन हथेली मुलायम भी नहीं है और गुलाबी कलर की भी नहीं है, तो इसलिए जो है जितना इनको जीवन काल में इस भाग्य रेखा से मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है, और भाग्य रेखा भी आपकी जो है बहुत जो है मृत अवस्था में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए जो है करियर के मामले में थोड़ा कहीं ना कहीं जो है संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, धन के मामले में और उसकी संघर्ष की स्थिति हर मामले में यहाँ पे दिख रही है। वैसे आपकी जो है सूर्य रेखा को देखें, सूर्य रेखा आपकी मणिबंध क्षेत्र से निकलती हुई सूर्य पर्वत पे जा रही है, आपकी सूर्य रेखा मणिबंध से निकल रही है और सूर्य पर्वत पे जा रही है। अगर इसके साथ साथ भाग्य रेखा भी जाती
इसके समांतर ही, तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे में ये रेखा सबसे उत्तम मानी जाती है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अपनी प्रतिभा और भाग्य का मेल होने से जिस काम को हाथ लगाते हैं या आरंभ करते हैं उसमें पूर्णतः सफल होते हैं। आपकी मणिबंध से रेखा तो जारी है, लेकिन बीच में कई रेखाएं इसको काट रही हैं, धुंधली भी हो रही है। ये रेखा जितनी जितनी स्पष्ट होती जाएगी, सूर्य का प्रोत जितना भव्य होता जाएगा, आपकी उन्नति का क्षेत्र, आपकी प्रगति का क्षेत्र उतना ही अधिक होगा और उतनी ही विस्तृत आपका उन्नति का क्षेत्र होगा। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने सूर्य रेखा पे, सूर्य के पर्वत पे, और इसी का आपने वो करना है, उपाय करना है। यहाँ पे जीवन हृदय रेखा पे एक चीज़ हम भूल गए, इसकी एक ब्रांच जो है ऊपर की ओर जा रही है, जो विष्णु चिन्ह बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, जब हमारी हथेली में हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार देखें तो ये चिन्ह बनता है, तो ऐसे लोगों पे भगवान विष्णु की कृपा होती है और ऐसे लोग जो है अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। और इसके अलावा ये जातक समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। जिस भी व्यक्ति की हथेली पे ये विष्णु तिलक होता है, ये जातक चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली ऐसे लोगों को माना गया है। लेकिन ऐसे लोग अगर अपने जीवन काल में कोई ऊपरी कमाई के चक्कर में पड़े या कुछ गलत तरीके से धन कमाने के चक्कर में पड़ते हैं तो रसातल की ओर जाते हैं, वो लोग कभी पनपते नहीं हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान ऐसे लोगों को रखना चाहिए। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से चलती हुई पीछे की ओर आ रही है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे शायद मस्तिष्क रेखा इस तरह आ रही है, फिर इस तरह से जा रही है। कहीं ना कहीं जो है जीवन काल के प्रारंभिक दौर में 28 से 30 वर्ष या 30 वर्ष के थोड़ा बाद दिखाई दे रहा है, थोड़ा जो है मानसिक संघर्ष जरूर रहा होगा, लेकिन जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में आगे उन्नति होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एक त्रिभुज भी बन रहा है, पैतृक संपत्ति मिलने के आसार यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से आ रही है और ऊपर मंगल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा शुक्र के क्षेत्र से आने के कारण लापरवाही के गुण देती है। मंगल की रेखा देखें बड़ी अच्छी है, मंगल की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा और आपकी तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई दिख रही है। आपको दूसरों का सहयोग भी मिलेगा, सोचने और समझने की शक्ति आप में निश्चित होगी। जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका व्यक्तित्व निश्चित ही आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और आपको अपने जीवन काल में यहाँ पे समझने वाली बात है, अचल संपत्ति का लाभ निश्चित तौर पे मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ दिख रही है, दो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अगर ये इस तरह से वर्ग का चिन्ह है, साफ सुथरा बना हुआ, तो निश्चित ही आपको एक से ज़्यादा अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। चाहे घर होंगे तो दो होंगे, दुकान होगा, घर होगा, या कोई प्लॉट होगा या घर होगा, ठीक है ना, पर दो अचल संपत्ति जरूर मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे केवल ये कट का निशान है तो संभलने की ज़रूरत है। जीवन काल में आपको जो है कोर्ट कचहरी का मामला जो है बन सकता है या बन गया होगा, ये पूरा नहीं आ रहा है, इसलिए जो है मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, जिस तरह से यहाँ पे जो है मंगल वीक अवस्था में है, अगर इस तरह से मंगल होता है तो जीवन काल में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है और व्यक्ति के जीवन में उलझन रखता है। और ये अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करे तो ऐसे व्यक्ति नेत्र रोग हो जाता है, नज़रें कम हो जाती है, या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, या शरीर में कंपन होती है, या शारीरिक ताकत को कमज़ोर करता है, या शरीर के जो जोड़ होते हैं ना वो थोड़ा काम कम करते हैं। यदि ये इस तरह के किसी भी विकार को दे रहा है तो मैं मंगल के उपाय आपको भेज रहा हूँ, उसको करने की आप कोशिश करिएगा, अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा।
अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सभी रेखाएं लगभग हमने देखी ली, एक रेखा व्यापार की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है जो बहुत धुंधली है, स्पष्ट नहीं है। ये आपके अंदर व्यापारिक गुण दे रही है, ये निश्चित है, लेकिन व्यापार में वृद्धि नहीं देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, इस तरह के चिन्ह तो बन रहे हैं लेकिन पूरा कोई चिन्ह बनता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरा, अब हम बात करें मणिबंध की रेखा का। देखिएगा, आपकी मणिबंध की जो ये पहली रेखा है ये साफ सुथरी है और अच्छी यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रही है। और मणिबंध की जो ये सबसे ऊपर वाली लकीर होती है, यही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। मणिबंध की रेखा साफ सुथरी और गहरी हो, एक सीधी रेखा बनी हो इस तरह से, तो ये सबसे उत्तम मानी जाते हैं मणिबंध की रेखा। जिस व्यक्ति की हथेली में ये पहली मणिबंध की रेखा इस तरह से साफ सुथरी हो, ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा रहता है। आपका स्वास्थ्य आगे ठीक रहने वाला है और काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये भी बहुत सुंदर है। ग्रहों की स्थिति अगर देखें, आपका शुक्र का ग्रह यहाँ पे फूला हुआ है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, भौतिक सुख सुविधाएं भी यहाँ पे ठीक दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखें, मंगल और शुक्र जिस तरह से है, हल्के मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहे, चिंता भी कर रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ये पार्ट है, इसमें जो है कुछ रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं, जो चिंता की लकीरें हैं, संघर्ष की लकीरें हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र में नुकसान की लकीरें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपका अगर हम बृहस्पति देखें, तो आपका बृहस्पति नीचे की तरफ शनि से युक्ति बना रहा है, थोड़ा पारिवारिक समस्याओं का भी व्यक्ति को ऐसे में सामना करना पड़ सकता है। आपका शनि तो ठीक है लेकिन ये भाग थोड़ा उठ गया है, तो बेवजह की चिंताएं भी ये देता है। सूर्य पे हम आ गए थे, ये चीज़ थोड़ी उठी है, छोटा काम भी करेंगे तो नाम और यश पाने की इच्छा मन में रहेगी। ये क्षेत्र थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से व्यक्ति रख नहीं पाता है। और आपका मंगल देखें, यहाँ पे उठा हुआ है, थोड़ा क्रोधी स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव यहाँ पे हो सकता है, लेकिन एनर्जेटिक बहुत अच्छे रहेंगे, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, आपकी जीवन में कायरता नहीं आ सकती है। सबसे खूबसूरत और सबसे दिव्यता यहाँ पे जो पर्वत लिए हुए है वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा इस रूप में बैठा हुआ है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी चंद्रमा अच्छा देता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में चाहे समस्या हो जाए लेकिन चंद्रमा के कारण मन मजबूत आपका रहेगा। चंद्रमा आपका निश्चित तौर पर मजबूत है, सुंदर है, स्पष्ट रूप से एक दिव्यता लिए हुए है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो और भी अच्छा रहने वाला है चंद्रमा की वजह से। और चंद्रमा इतना अच्छा होता है, इतना सुंदर होता है, तो व्यक्ति अपने जीवन काल में क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया होता है, अच्छा होता है, माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में खूबसूरत है, एक दिव्यता ली हुई है, एक सौंदर्य बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन काल में बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है, महिलाओं का सहयोग आपको मिलता रहेगा, एक सुंदर और एक अच्छी सोच, एक सकारात्मक सोच यहाँ पे बनी रहेगी, इस और आपका चंद्रमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में सर्वश्रेष्ठ ग्रह, सबसे बेहतर ग्रह और सबसे बेहतर स्थिति में जो प्लानेट है वो आपका चंद्रमा है, और हथेली का सबसे पुष्ट और सबसे अच्छा फल आपको चंद्रमा ही दे रहा है। बाकी मैंने सारी उंगलियों का, अंगूठे का, ग्रहों का, रेखाओं का, सबका जो है विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में जो चीज़ नेगेटिव प्रभाव डालने हैं उनका उपाय भी आपको भेज रहा हूँ, विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में लाभ की स्थिति प्राप्त होगी।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।